हाई गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आई एम विजिबल एंडिबल तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ मैंने बहुत टाइम से सोचा था ये वीडियो बनाने का हमारे वीडियो का टाइटल रहेगा माई एक्सपीरियंस एज अ बैंकर मैं बता रही थी कि आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है माई एक्सपीरियंस एज अ बैंकर ऑफ टू ईर्स सो बेसिकली वन वी ज्वाइन द बैंक तो हमारा दो साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है हमारा जो रिक्रूटमेंट uh, होता है वो पी ओ के लिए ही होता है और हाँ पी से याद आए आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आई बी पी के एग्जामिनेशन आए हैं एंड प्लीज एनरोल कर लेना टाइमली और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो एंड आप सभी के एग्जाम क्लियर हो जाए सो so, uh, हाँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ये एक्सपीरियंस जो है वो मेरा होने वाला है ना कि सभी बैंकर्स का बिकॉज एवरी वन हैज देयर ओन एक्सपीरियंसिस सो आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन आई वो लेट स्टार्ट मैंने डायरी में नोट डाउन करे हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो दैट मैं कुछ मिस ना करूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव तो आई जॉइन द बैंक ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मेरा दो साल का प्रोबेशन था तो हम लोग कोविड का बैच थे हम लोग थोड़ा स्पेशल बैच रहे हैं मतलब हमारे साथ अच्छा भी हुआ है काफ़ी एंड कुछ चीज़ें गलत भी हुई है सो so, हमने जब ज्वाइन करा तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग होती है बट हमारे केस में क्या हुआ कि उस टाइम पे कोविड था मतलब कोविड चल ही रहा था तो जो लाइक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होती थी वो बंद हो रखी थी तो हमारा जो फर्स्ट फेज था वो ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन हमारा ब्रांचेस में बैठ के हुआ एंड दैट टू आफ्टर की जब हमें लाइक like, दो तीन महीने हो गए थे काम करते करते तो हम लोग ब्रांच में बैठ के काम करते हुए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे बट ठीक था तब तक हमने वैसे बेसिक काम सीख ही लिया था ब्रांच में प्रैक्टिकली सीख लिया था तो पहले क्या होता है जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे पहले कि हमने कुछ भी काम करा उससे पहले हमारी ट्रेनिंग होती है बट हमारे केस में हमने पहले काम करा फिर ट्रेनिंग ली सो दिस इज़ वन थिंग और हाँ जैसे मैंने बोला कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी हुई है तो हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि कोविड के टाइम पे उस टाइम पता नहीं क्या गाइडलाइंस थी तो हम सभी जो भी हम लोग पूरा बैच था हम सबको होम पोस्टिंग मिली एंड ट्रस्ट मी दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू अ बैंकर बिकॉज हमारे जो भी सीनियर्स हैं सभी लोग यही बोलते हैं कि तुम लोग कितने लकी हो हम लोग इतनी इतनी साल की सर्विस करने के बाद होम पोस्टिंग लेके आए हैं पता नहीं कैसे कैसे करेगा कर, तुम लोगों ने ज्वाइन किया है और तुम्हें घर पे ही पोस्टिंग मिली है सो so, हम उस चीज़ में लकी रहे हैं थोड़ा और उसके साथ एक चीज़ ये होम पोस्टिंग के साथ साथ दूसरा ये कि जो लाइक हम लोग सेम जोन से थे बच्चे हम सबका ग्रुप बन गया था शुरू में ही एंड हम लोगों की बॉन्डिंग भी काफ़ी सही हो गई थी और हम सबको पोस्टिंग भी एक ही जोन में मिल गई तो ये सेकंड बेस्ट थिंग है जो हुई हमारे साथ पहली पहली हमारी होम पोस्टिंग मिलना एंड दूसरा अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलना सो एज ए मेंशन कि हमें होम पोस्टिंग मिली थी तो इट्स ऑब्वियस दैट यहाँ पे जो लोग है वो भी like, most of them are local and हम लोग अवेयर हैं डे टू डे लाइफ से तो उस चीज में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई उसके बाद क्या होता है कि पहले हमारी वन मंथ की ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि हमारी ऑनलाइन हुई थी एंड उसके बाद हमारा सेकेंड फेज हुआ था जून दो हजार बाईस में वो हमारा ऑफलाइन हुआ था तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर नोएडा में है एंड वी वेंट देयर एक महीने के लिए एंड वो बेस्ट चीज़ थी इस पूरी जॉब की बिकॉज एक महीने के लिए एक क्या होता है ना कि अगर आपकी लाइक जॉइनिंग से पहले ट्रेनिंग होती है तो उस टाइम आप डरे हुए रहते हो बहुत सारे लाइक आई डोंट नो नर्वस होते हैं हम लोग बट हमारी ट्रेनिंग तब हुई जब हम लोग काम सीख गए हैं सब कुछ पता है अब एक दूसरे को जानने लग गए हैं अपने कलीग्स को ऐसा लगा कि बिल्कुल हम लोग कॉलेज लाइफ जी रहे वी हैड सो मच फन और इट फील्ड लाइक मतलब मैंने तो कभी हॉस्टल लाइफ जी नहीं है बट वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि हाँ शायद यही होती होगी हॉस्टल लाइफ जो वहाँ पे लाइक सब कुछ था हमारी क्लासेस थी उसके बाद हम लोग शाम को बाहर जाया करते थे खाना मिलना ये करना तो मैं इसका खाना पसंद नहीं आ रहा है तो वी यूज़ टू ऑर्डर पिज्ज़ा एंड ऑल तो मतलब दैट वॉज द बेस्ट टाइम इन दिस एंटायर जर्नी और मतलब हमने बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं सो so एक महीने की वो ट्रेनिंग हुई हमने बहुत कुछ सीखा भी ऐसा नहीं है सिर्फ तो मज़े मारे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी सो एंड उसके बाद uh, मैं अभी अपनी ट्रेनिंग्स आपसे शेयर कर रही हूँ उसके बाद सबकी अलग अलग ट्रेनिंग्स हुई है कि तो मेरी आई थी लास्ट ईयर आई थी एक हफ्ते की ट्रेनिंग आई थी तो उसमें सिर्फ अपने बैच से मैं ही गई हुई थी वो सबकी अलग अलग हो रही थी तो एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी हुई है बट ऑनलाइन ज़्यादा काउंट नहीं होती और इसके बाद मैंने आपसे पोस्टिंग शेयर कर दी है एंड वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा अब तक कि हमारा ऑफिसर्स का कोई फिक्स टाइम नहीं है घर जाने का तो इट डजेंट हैव टू बी लाइक कि हम लोग आठ बजे से पहले जाते ही नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच का वॉक इन कैसा है आपकी ब्रांच की लोकेशन क्या है एंड आपके ब्रांच मैनेजर कैसे हैं ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कहीं पे आप जल्दी फ्री हो जाते हैं कहीं पे आप लेट फ्री होते हो तो इसमें ऐसा फिक्स है ही नहीं हमारी टाइमिंग्स तो जब मैं शुरू में वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा तो नहीं होता होगा कि फ़िक्स नहीं है का, क्या मतलब है कुछ तो फिक्स होता होगा कोई तो बता दे कि हाँ हम छः बजे जाते हैं सात बजे जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई टाइम नहीं होता है हम छः बजे भी जा सकते हैं सात बजे भी जाते हैं एंड समटाइम्स ऑर्डिट के टाइम पे हम लोग नौ बजे दस बजे ग्यारह बजे कितने बजे जा सकते हैं क्योंकि मतलब वो आप जब काम करने लगोगे आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि हम इतना लेट क्यों जाते हैं इट्स नॉट लाइक की सम बडी फोर्सेज टू बी देयर बट हमें खुद को ऐसा फील होता है कि मतलब जब हमें दिखता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वॉट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ तो हम लोग वो चीज बर्डन नहीं लगती है इनफैक्ट मैं तो ऑडिट के टाइम पे लाइक संडेज को भी गई हूँ सैटरडेज़ को भी गई हूँ अगर ऑडिट में ऐसी लाइक सिचुएशन आती है तो आपको जाना पड़ता है और लेट सेटिंग्स भी रहती हैं हमें क्या होता है कि हमें घर जाने से पहले डे एंड करना होता है ऑफिसर्स को क्लरिकल की पाँच बजे छुट्टी हो जाती है एंड ऑफिसर्स को डे एंड करना होता है सो so, वो प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए एंड कभी कभी उस प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है तो उसी की वजह से हमारा फिक्स नहीं है कि हमने कितने बजे घर जाना है Uh, हमारा रूटीन क्या रहता है हमारा रूटीन रहता है कि हम सुबह जाते हैं हमें दस बजे से पहले ब्रांचेस लाइक पहुंचना होता है एंड मतलब दस बजे तक प्रॉपरली फंक्शनल हो जाने चाहिए हमारे सिस्टम्स तो कैश का, का काम होता है बेसिकली वो दस से चार बजे तक होता है और क्लरिकल uh, की टाइमिंग्स पाँच बजे तक रहती है ऑफिसर्स की जाने की कोई टाइमिंग नहीं है तो रूटीन हमारा यही रहता है एंड हमारा जो हमारा काम होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है जैसा अगर किसी को ये डाउट है अभी तक भी कि हमारी डेस्क जॉब है तो आप बहुत बड़ी गलत फैमी में जी रहे हो बिकॉज हमें बाहर जाना होता है हमारी डेस्क uh, कम फील्ड जॉब है बिकॉज वी हैव टू गो ऑन इंस्पेक्शन हमें रिकवरी पे जाना होता है एंड मार्केटिंग करनी होती है एवरी मतलब इफ़ यू आर एन ऑफिसर तो आप समझ लो कि आपको ब्रांच में हर छोटे से छोटा लेके हर बड़े से बड़ा काम करना है क्योंकि जब हाँ जब हमने ज्वाइन करा था तो मोस्ट ऑफ अस यूज टू लाइक डू स्कैनिंग इन ऑल इन द बिगिनिंग तो हमें ब्रांचेस में बोला भी यही जाता था कि आप पहले क्लरिकल के काम से शुरू करो बिकॉज ऑफिसर को मल्टी आनी चाहिए उसे क्लैरिकल का काम भी आना चाहिए ऑफिसर का भी एंड सब का <laughs> तो हम लोगों ने स्कैनिंग से लिटरली स्कैनिंग से काम शुरू करा एंड उसके आगे आगे धीरे 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 मतलब अब तो घर काफ़ी कुछ आ गया है बट हमारी शुरुआत वहीं से हुई थी

और उन लोगों की वजह से आई थिंक जो ये जॉब वाला फेस होता है ये तो हम लोग मिलते हैं तो वो भी सुनाते हैं तो उससे काफी लाइट हो जाता है लाइट फील होता है मतलब किसी के साथ बुरा होता है तब भी और किसी के साथ थोड़ा सा भी अच्छा होता है तब भी हम जबरदस्ती मिलते हैं चलो पार्टी करेंगे एंड उसके बाद अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं कोई डार्क रियलिटी ऑफ बैंकिंग शेयर करने वाली हूँ तो यू आर इन द रोंग प्लेस बिकॉज जैसा कि मैंने बताया मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड मेरे एक्सपीरियंस आई थिंक आई एम आई हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद सो मेनी थिंग्स दैट आई ड्रीमड ऑफ एंड आई जस्ट कांट स्टार्ट टू बिगिन यू नो इतनी सारी चीज़ें हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें होम पोस्टिंग मिली है बिकॉज वेन वी वर प्रिपेयरिंग या जब हमें बैंक स्लॉट भी हो गए थे तो उसके बाद में मैं बस यही सोचती थी कि कैसे होगा कैसे होगा कहाँ जाएंगे एंड एवरीवन अराउंड मी वॉज वरिड जैसा कि होता ही है कि बैंक में बहुत दूर पोस्टिंग मिलती है ए लाइव एग्जाम्पल मेरा भाई है उसको सूरत जाना पड़ा सो so, हम लोग मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे बट फॉर्चुनेटली मुझे जहाँ पे मैं थी मुझे वहीं पर पोस्टिंग मिली और मुझे क्या सभी को ही मिली अराउंड मी तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ हुई है ये मतलब सौ सालों में एक बार वाली चीज़ है ऐसा हमारे सीनियर्स बताते हैं और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने ब्रांच में ज्वाइन करा या मतलब जिस ब्रांच में मैं अभी भी हूँ मैं अपने कलीग्स को भी लाइक बिग आउट देना चाहती हूँ बिकॉज दे हैव बीन सो काइंड एंड सो जेनरस की सबसे स्पेशल आ, <coughs> मैंने जिस ब्रांच में ज्वाइन करा था वहाँ पे जो मैम थी एडमिन Uh, I don't know if you watch my videos or not, but I really am grateful for you because she was someone ki jinhone mujhe kaam bhi sikhaya and the one who made me feel at home. I literally cannot thank her enough for everything that she has done for me because uh, वो इतनी अच्छी थी कि शुरू में इतनी सारी difficulties हुई मुझे, but she always used to pamper me. अरे यहाँ चल कुछ नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है. Even initially there were times जब मैं रोई भी थी branch में तो she was there for me and she used to say कि अरे बाबा कोई नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शांत रहे आराम से काम कर तेरा मन नहीं है तो आ जाए शी लिटरलीट मेरे बगल में बैठ जा कॉफी तो मंगाते चाय मंगाते तो बैठ रोना नहीं है परेशान नहीं होना है एंड मतलब कुछ भी डिफिकल्टी हुई होगी मैं यही मैंशन करना चाहूंगी की उन्होंने सही में मतलब उन्होंने मेरी जॉब को बहुत ईजी बनाया बिकॉज शी वज सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो यू नो वॉर्म कि मुझे उनके साथ बहुत कंफर्ट फील हुआ तो वही था उन्होंने उन्हीं के साथ मेरी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट हुई है एंड ये मेमोरीज हैं ये मोमेंट्स हैं जो मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगी पता नहीं अभी मैं कितने लोगों के साथ काम करूँगी बट मैं आपको हमेशा याद रखूँगी सो so, ये भी एक ब्लेसिंग थी आ, आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूँ नेगेटिव चीज़ें भी होती है बट यू नो आई बिलीव कि काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट वट यू आर मिसिंग सो देर देर विल ऑलवेज भी टाइम सब आपको लगेगा कि अरे ये नहीं हो रहा है ये कम है या ये गलत हो रहा है ऐसा बट आई थिंक कि इतनी सारी चीज़ें हमारे अराउंड होती है जिनको लेके हम ब्लेस्ड फील कर सकते हैं सो वाई नॉट फोकस ऑन देम मैं तो यही मानती हूँ आप लोग अपना परसेप्शन रख सकते हैं आपको जो ठीक लगे बट मैं तो यही फॉलो करती हूँ देट्स वाई मैं सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ और बुरी चीज़ें जैसे कि बुरी चीज़ें नहीं है आगे मैं बता रही हूँ जैसे टारगेट्स होते हैं वर्क प्रेशर होता है तो ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करती है टारगेट्स होते हैं हाँ हमें लाइक डे टू डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे हर चीज़ होती है बजट होता है इन एवरी तो वो सारी फॉलो करनी पड़ती है बट अगर आप उसको ऐसा नेगेटिव पॉइंट लेके चलोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है बट आप उसको पार्ट ऑफ जॉब समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वी आर डूइंग जॉब्स हम यहाँ पे बैठे किस लिए हैं जॉब करने के लिए बैठे हैं आए ये सोच के कि हाँ वहाँ पे काम करेंगे जो लोग सोचते होंगे कि नहीं मैं तो लाइक नाइन टू फाइव टिपिकल और बैठूंगा पूरे दिन भर घर जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा तो बैंकिंग इज़ नॉट फॉर यू आपको यहाँ आना है तो आपको काम करना पड़ेगा आपको लेट आ, लेट वर्किंग आर्स भी होंगे आप ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप टिपिकल लाइक डेस्क जॉब सोच के आ रहे हो तो सो so, ये वार्निंग समझ लो या क्लैरिफिकेशन समझ लो इट्स अप टू यू वर्क प्रेशर की अगर बात करें सो वर्क प्रेशर आई फील अगेन इज वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज आई हैव वर्क विद लाइक टू थ्री मैनेजर्स टिल नाउ एंड हर किसी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अलग होता है कोई मैनेजर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके काम करते हैं कोई मैनेजर बहुत ज्यादा चिल हो काम करते हैं कोई लोग एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं सो so ऑब्वियसली जो वो फील करते हैं जो वो पास ऑन करते हैं आपके साथ के लोग या आपके मैनेजर्स आपके सीनियर्स किस टाइप से डील करते हैं सिचुएशन को वही चीज आपके ऊपर पास ऑन होती है कोई स्ट्रेस लेके करेगा तो आपको भी स्ट्रेसफुल फील होगा कोई काफी चिल के काम करते हैं मतलब उनका एटीट्यूड काम को लेके अलग टाइप का होता है तो फिर उसके आपको भी वही सेम चीज पास ऑन होती है तो इनफैक्ट आप अपनी अगर इंडिविजुअल की बात करें तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे तीन लोग बैठ जाएं तो अगर आप सेम टास्क दोगे तो हम तीनों के अलग अलग रिएक्शन होंगे उसको लेके कोई बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा कोई बहुत काम होके करेगा एंड कोई हो सकता है मतलब कुछ भी रिएक्शन हो सकता है तो वर्क प्रेशर इट्स हाउ यू टेक इट रही बात ऐसी कि लाइक बुरा टाइम या जो भी है तो आई थिंक कि हर किसी को हर जॉब में ऐसा फील होता है एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि बस अब नहीं अब और नहीं हो पाएगा अब मैं कल नहीं जा सकती अब मुझे जाना ही नहीं है सो आई हैव हैल्सो हैड दिस फेजेज तो मैं मैं जैसा कि आपको बताया कि अभी मैं ऑफिस में रोई भी हूँ फिर मैं घर आके ऐसे लिटरली नोट्स बनाती थी कि नो आई डोंट वॉन्ट टू बी बीर आई डोंट बिलोंग यर बट फिर क्या होता है कि फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम होता है थोड़ा हमारे थॉट्स बदल जाते हैं तो इस चीज़ को मैं बहुत प्रैक्टिकली लाइक ऐसे कंपेयर करती हूँ एक सिचुएशन से गोलू है या मेरा भाई है मम्मी है या मेरी फैमिली है जो भी जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं तो इन लोगों से मेरी आई थिंक सभी से लड़ाई होती है उससे मैं लाइक ऐसे कंपेयर करती हूँ इस सिचुएशन को जब मेरी और गोलू की लड़ाई होती है हम दोनों की बहुत सीरियस लड़ाई होती है तो मतलब कुछ टाइम के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं गोलू की अब शक्ल भी नहीं देखूँगी मैं उससे बात भी नहीं करूँगी बट देन अगेन जब थोड़ा टाइम होता है तो मतलब Is it practical? No, it's not. Because I cannot live without sharing things with her या उसके साथ बात करने के बात करने के साथ या मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ तो फीलिंग बहुत टेम्प्रेरी होती है जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या सेम चीज़ लगती है कि कभी कभी हर जगह ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ वी फील पजल्ड एंड वी फील स्ट्रेस इन ऑल तो वो एक टाइम के बाद ठीक हो जाता है और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है मेरा जो वो 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 लाइक एंगर है या जो वो फीलिंग होती है कि आई डोंट बिलोंग यर वो बहुत टेम्पररी होती है इसीलिए मतलब वो चीज़ मुझे बॉदर नहीं करती है क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशन और एनी अदर फाइट तो इस जॉब को लेकर भी मेरे साथ सेम चीज़ होती है कि वी हैव आर अप्स एंड डाउन एंड अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं तो मैं इसको वैसे कंपेयर करती हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू मैं जो बैंकिंग uh, का वो बना हुआ है ना कि बैंकिंग जॉब बहुत टॉक्सिक है ये है वो है क्योंकि जब हमने ज्वाइन करा था तो हमें भी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले थे कि अरे आप बैंक में क्यों आगे कुछ और कर लो ये होकर के सोचो एम्प्लॉयज ही ऐसा बोलते हैं कस्टमर्स तो क्या ही बोलेंगे या लोग तो क्या ही बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सीन सो मैनी बैंकर्स जो अभी लाइक like यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं या नॉर्मल लाइफ में अपने बैचमेट्स भी देखें तो मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स माई जॉब एंड आई लव डूइंग माई जॉब और देशन दैर आई मिन आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट एंड यू नो इट हैज़ सो है थिंग्स इन माई लाइफ तो मैं तो अपनी अच्छी चीजें काउंट करती हूँ आई हैव सो ब्लेसिंग्स टू काउंट तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या मिस कर रही हूँ एंड अपन इस जनरेशन की बात कर रही थी तो मुझे लगता है कि काफी लाइक like, पॉजिटिव हैं सब लोग एंड आई लव सींग पीपल हु आर पॉजिटिव हुय जॉब बिकॉज हर किसी जॉब में टॉक्सिसिटी होती है हर किसी जॉब में पॉलिटिक्स होती है हर किसी जॉब में प्रेशर होता है नहीं होता होगा तो वो उनकी अच्छी चीज़ें जिनकी जॉब में नहीं होता है बट हमारे में तो एग्जिस्ट करता है जैसे कि नॉर्मल जॉब्स होती हैं आई थिंक आई हैव ऑल कि मैं यही सारे पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सपीरियंस करे अभी तक एंड अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ स्केल वन तो दो साल का एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया दो साल का कि मैंने आपके साथ आज तक का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है एंड इफ आपको लगता है मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो बिकॉज बहुत सारे रेस्टोरेंट के मन में डाउट्स होते हैं कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो और बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होंगी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जैसा कि मैंने बताया आई बी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी एंड फॉर्म्स फिल कर दीजिए And thank you so much for watching my vlog. If you enjoyed watching my vlog, then please like, share, comment, subscribe to my channel. Bye bye.